बांगरमऊ उपचुनाव में बूथ नंबर 108 पर लगा है बूथ कैप्चरिंग का आरोप। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 8 सीटों में से बांगरमऊ में भतियारपुर गांव के बूथ नंबर 108 पर एक वोटर ने भाजपा के किसी आदमी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले वोटर का कहना है कि अंदर बैठा स्याही लगाने वाला व्यक्ति वोटरों से बोल रहा है कि 3 नंबर के बटन पर वोट करें। आपको बता दें कि इस बूथ नंबर 108 पर 3 नंबर का बटन भाजपा का है। साथ ही बूथ नंबर 213 और बूथ नंबर 288 पर भी भाजपा के कुछ कार्यकर्ता चुनावी सामग्री के साथ देखे गए हैं। इन दोनों बूथों पर ये सब रोकने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आरती वाजपेयी की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील विदुषी उन्हें रोकने की कोशिश भी करते पाए गए हैं। वहीं उन्हें आचार संहिता का उल्लंघन करने को भी मना किया जा रहा है। बूथ नंबर 108 का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही विपक्ष ने हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे सरकारी मिलीभगत से बूथ कैप्चरिंग भी कहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से भी ये वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा है, बांगरमऊ में भतियारपुर गांव बूथ नंबर 108 के एक पुत्र का कहना है कि पोलिंग बूथ के अंदर बैठा आदमी भाजपा के खाने वाली बटन दबाने को बोल रहा है। शासन प्रशासन मिलके ये बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। देखिए वीडियो में किस तरह वोटर बता रहे हैं, आंखों देखिए। कि और 50 औरतें गई, उसमें 5 औरतों से यही बोला कि आप तीसरे नंबर पे दबाइए, आप तीसरे नंबर पे दबाइए, ये उसकी गलती रहती है और हर बार यही कर रहा है। वो शाही लगाने वाला, शाही लगाने वाला है, वो बिल्कुल डिब्बे के तीर पास बैठा है। अपना बूथ नंबर क्या है? 108। भैया कल 5 बजे के बाद प्रचार बंद हो गया है, तो आप लोग ये प्रचार सामग्री रख के क्यों काम कर रहे हैं? ये जो आपका झोला रखा है ये प्रचार सामग्री में ही आता है? ये हमारा बस्ता यहाँ पर बस्ता। हाँ तो ये अलाउ ऐसे ये सब प्रचार सामग्री में बस्ता, आप नॉर्मल बैग रखिए। आप एकदम तमीज से रहिए, समझे? ज्यादा ना बोलो, हम कर सकते, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आप यहाँ पे धूल तोड़ रहे, हम क्यों नहीं कर सकते? तमीज से बात करो, समझे? अपने बस्ते पे बैठो, अपने बस्ते पे बैठो, अपने बस्ते पे जाकर जाओ। हिसाब से तो आप लोग यहाँ पे प्रचार क्यों चालू रखे? नहीं, आप पहले अपना बताइए, सब जगह ध्यान देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हूँ, बताइए कैसे चालू है आपका प्रचार? चार तो नहीं मैडम, हटाइए, ये अलाउड नहीं है। ये बस्ते के आप एसडीएम को फोन कर दीजिए। नहीं तो आप हटाइए ना। हम क्यों हटाएंगे? क्यों, ये अलाउड नहीं है ना? नहीं, आप एसडीएम और डीएम से बात करो, कोई हम प्रचार नहीं कर रहे, हम लोग अपना बस्ता लगाए इसलिए। अच्छा तो ये पोस्टर लगाना प्रचार नहीं है? आप हाँ, हम उनको नहीं, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आपकी कंप्लेंट डालेंगे, एसडीएम को भी नहीं बताएंगे।